वालेकुम स्टूडेंट्स आई होप आप सब खैरियत से होंगे सी एस एस एंथ्रोपोलॉजी के सेकेंड लेक्चर के साथ मैं हूँ और हम आज तफसील से डिस्कस करेंगे वो दस सवाल बिग क्वेश्चन वो दस सवाल कौन से हैं बेसिकली मैंने कोई सवाल नहीं किए लाइक नॉट यू नो आई नॉट फ्रेम्ड फ्रेज्ड

वो दस सवाल क्या है वो दस सवाल जैसे मैंने कहा एरियाज ऑफ़ द एरियाज के बारे में सोचेंगे, तो आपको पता होगा कि मुझे एक सवाल पोलिटिकल uh, एंथ्रोपोलॉजी में से आना है या एक सवाल इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में से आना है या मुझे एक सवाल uh, आना है फोर्थ uh, so so तो जब आप उन दस को अलग अलग समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा ऐड होती है आपको पता होता है अच्छा इनमें से एक या दो एरियाज हैं मेरे वीक हैं या मुझे नहीं आते तो एग्जाम में मैंने उनके सवाल को टच करने की कोशिश नहीं करनी पहले लेक्चर के अंदर व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी इसकी हमने कुछ डिस्कशन की थी और हमने ये बात की थी कि इट इज ए स्टडी ऑफ ह्यूम और मैंने उसमें बात की थी कि जो पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एट द एंड ऑफ द डे आर फोकस इज ह्यूमन कि इंसान की जहनी और जिसमानी और मुख्तलि तरह से जो इंसान की एवोल्यूशन हुई है वो हुई है वेन ह्यूम है पोलिटिकल इन्वायरमेंट देयर इकोनॉमिक एन्वायरमेंट और उससे एक चीज जनरेट होती गई जिसको हम कहते हैं कल्चर और जितनी सी की एंथ्रोपोलॉजी है वो बेसिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है या सोशल एंथ्रोपोलॉजी है और उसके चूँकि हम कल्चर जनरेट हुआ या कल्चरल या सोशल एंथ्रोपोलॉजी जनरेट हुई एज द मैन इंटरेक्टेड विद हिज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो इसलिए इसके जो मेन जुज हैं कंपोनेंट्स हैं वो पोलिटिकल uh, एंथ्रोपोलॉजी भी है या उसको हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसी तरह इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी और इसी तरह जो थेरीज वगैरह हम पढ़ेंगे वो भी ज़्यादा होंगी उन थेरीज के बारे में हम पढ़ेंगे या वो थेरीज हम पढ़ेंगे जिनका ज़्यादा नाता जो है वो कल्चरल और सोशल एंथ्रोपोलॉजी से जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी है जो आपकी बेसिकली आ, रिलेट्स टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड हाउ मैन इंटरेक्ट्स विद द फिजिकल वर्ल्ड पर वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है कुछ हद तक हम आर्कियोलॉजी को डिस्कस करेंगे पर वो भी हमारे सिलेबस का कोई मेन हिस्सा नहीं है अब आते हैं क्विकली ऑन टेन बिग क्वेश्चन की तरफ वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन अब पहला तो आपका है वॉट इज कल्चर द फंक्शन एंड कल्चरल एंड स्लैश ओब्लिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि हम इंटरचेंजेबल इन टर्म्स को अमूमी तौर पर इस्तेमाल करते हैं पहले लेक्चर में मैंने थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में कि कल्चर और सोशल एंथ्रोपोलॉजी कौन है अच्छा जो कल्चर है और सोशल एंथ्रोपोलॉजी है इसके ऊपर आपका पहला सवाल आता है जिसके अंदर बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन को भी आप इसमें शामिल कर लें कल्चर की डेफिनेशन को इसमें आप शामिल कर लें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कल्चर उसको आप इसमें शामिल कर लें ये आपका पहला अमूमी तौर पे सवाल है इसके अंदर फंक्शंस ऑफ कल्चर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते हैं या आप मैं स्लाइड इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि आप इसको देख भी सकें कि हमारी स्लाइड्स की लेंथ और ब्रेथ क्या है वाई डू वी नीड कल्चर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर और फंक्शन ऑफ कल्चर जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं हाउ डू चिल्ड्रेन इंटरनलाइज कल्चर सो वैन यूर बॉर्न इन टू अटन कल्चर ऑफकोर्स नो बडी टीचिज यू वॉट यूर कल्चर इज इन सम वेज पेरेंट्स और योर सोशल इन्वायरमेंट वुड बट यू डो नॉट इट्स नॉट समथिंग दैट इज टॉट टू यू फॉर्मली इन स्कूल और एल्स वेयर यू जस्ट इंटरनलाइज द कल्चर

फैमिली और मैरिज के ऊपर हर दफा सवाल अमूमी तौर पर आता है सी एस एस में वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन टू डू अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैरिज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज एक सवाल इसमें इंपॉर्टेंट और दूसरा है व्हाट आर द रेजिडेंस पैटर्न आई थिंक थोड़ी सी बात हमने इसके बारे में पहली क्लास में की थी ये मोनॉगमी और पोलगमी और पोलजनी ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं और इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ फैमिली क्या ब्लेंडेड फैमिली जिसको हम जिस तरह कहते हैं ना जॉइंट फैमिली है यानी न्यूक्लियर फैमिली या कॉन्सेंग्नियल फैमिली कॉन्जुगल फैमिली ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज तो आप देखें इसको आसान तरीका फैमिली और मैरिज को समझने का क्या है कि आपकी शादी होती है उस शादी के बाद आपका एक रेजिडेंस पैटर्न जनरेट होता है कि जो खामंद और बीवी हैं क्या वो अपने किसी सेपरेट घर में रहेंगे या खामंद के पेरेंट्स के घर में रहेंगे या बीवी के पेरेंट्स के घर में रहेंगे उससे एक रेजिडेंस पैटर्न जनरेट होता है और व्हेन दे हैव सम ऑफस्प्रिंग और फैमिली आगे बढ़ती है तो उसके बाद आपका एक टाइप ऑफ फैमिली जनरेट होती है तो एक है आपकी टाइप ऑफ मैरिज शादी हुई उसके बाद है आपके रेजिडेंस पैटर्न और तीसरी चीज है टाइप ऑफ फैमिली अब ये तीन फैमिली और मैरिज के अंदर ब्रॉड क्वेश्चन है इन सब की दो दो तीन तीन हेडिंग इससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप इस पूरे टॉपिक को नहीं समझ सकते मेरा यहां एज एन इंस्ट्रक्टर काम ही ये है क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं बड़ी सादा सी अंग्रेजी में लिखी हैं आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं मेरा एज एन इंस्ट्रक्टर काम क्या है कि मैं आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूं ये जो अगर 300 स्लाइड्स हैं तो इन 300 स्लाइड्स को मैं आपको लॉजिकली अंडरस्टैंड और लॉजिकली मेमोराइज करने का भी तरीका बताऊं अब जिस तरह ये मैं तरीका बता रहा हूं कि बेकिंग द होल सिलेबस डाउन इनटू 10 बिग थिंग्स एंड हर वो जो 10 चीजें हैं उनमें एक एक या दो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूं और उन्हीं के ऊपर मैंने यहां पे स्लाइड्स भी कायम कर रखी हैं ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी uh, में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और पहली क्लास में मैंने आपको इस कोर्स की ये बात भी बताई थी कि वन ऑफ द एड ऑन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी व्हाई यू वुड वांट टू हैव दिस कोर्स इज दैट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है डायग्रामिंग करने की क्योंकि सिलेबस इस तरह है कि यू नो एक कॉन्सेप्ट है और उससे बहुत सारी चीज़ें ब्रांच आउट करें तो फिर उसको आप मुखल किस्म की हमने बनाई हुई अच्छा, जो थर्ड बिग uh, क्वेश्चन है किनशिप एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन किनशिप क्या होती है वॉट इज अन वॉट इज ए डिसेंट ग्रुप किनशिप के फंक्शन क्या है डिसेंट ग्रुप्स क्या होते हैं अच्छा इसमें अब जो एक मेजर सवाल है वो ये है कि डिसेंट ग्रुप्स की टाइप्स क्या है यहां पे आप देख सकते हैं डिसेंट यानी आप अगर मैं किसी खानदान से किसी पीढ़ी से अपना डिसेंट ट्रेस करता हूं तो वो मैं डिसेंट कैसे ट्रेस करता हूं वो क्या मैं अपनी माँ की लाइन से डिसेंट ट्रेस कर रहा हूँ वालिद की लाइन से डिसेंट ट्रेस कर रहा हूं या कुछ कम्युनिटीज या कल्चर ऐसे हैं जहां डिसेंट दोनों जगह से ट्रेस हो रहा है तो बेसिकली ये डिसेंट जो है इट फ्रॉम कल्चर टू कल्चर डिसेंट को ट्रेस करने का तरीका एकार क्या होगा और उसी तरीके की बेसिस के ऊपर ये डिसेंट ग्रुप्स बने देखिए ग्रुप्स बनने के मुख्तलि क्राइटेरिया uh, हो सकता है ना यहां एक ग्रुप बनने का क्राइटेरिया ये है कि हम डिसेंट को कैसे ट्रेस कर रहे हैं क्या वो डिसेंट में अपनी वालदा के थ्रू ट्रेस करता हूं या वालिद के थ्रू ट्रेस करता हूं एंड सो ऑन एंड सो फोर और में क्या फर्क है और that's it. तो जो जो तीसरा सवाल उसमें एक एक है 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 कैसे होती और उसकी टाइप क्या है फिर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन अब बेसिकली इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी एक सब फील्ड है कल्चरल या सोशल एंथ्रोपोलॉजी की और उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि उसमें कुछ कुछ

एक टेबल में यहां बसाने की कोशिश की है कि ये सारी चीज एक ही जगह पे आई ब्रिंग इट ऑल टूगेदर अंडर वन टेबल सब्सटैंड क्या कहते हैं और फॉर्मलिस्ट क्या कहते हैं और फिर एक इंस्टीट्यूशनलिस्ट्स और इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर भी कुछ डिबेट है फिर ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर आ, जैसे कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पन और फिर आ, लेबर से रिलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे सिलेबस की है वो है अगला टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज अब इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के बाद जो अगली चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज यानी इनहेरिटेंस वगैरह वगैरह अब मुख्तलि कल्चर में इनहेरिटेंस शादी हो तो आपको पेरेंट्स क्या गिफ्ट देते हैं अब ये भी एक ऐसी चीज है जो कल्चर को डिफाइन करती है कि कल्चर में इकोनॉमिक एक्सचेंज कैसे हो रही है और रिसोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है तो इसको आप इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी के साथ लिंक कर सकते हैं बट यू कैन अंडरस्टैंड इट एज सेपरेट क्वेश्चन इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट है एक है जनरलाइज रेसिप्रोसिटी का एक है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी का और एक है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का और एक कॉन्सेप्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन का ये चार मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं गिफ्ट्स मुख्तलिफ कल्चर में किस किस टाइप के गिफ्ट हैं एक तो उसकी कुछ टाइप्स है बट यू डोंबर और फिर मेजर तीन चार कॉन्सेप्ट जस्ट नीड टू नो वट दे आर के रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी क्या है बैलेंस रेसिप्रोसिटी क्या है और जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी क्या है अच्छा इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने जिस तरह इधर ये बात लिख रखी है के एम्प्लॉयड बाई द इनका एम्पायर अब इनका वो लोग थे जो एक साउथ अमेरिकन एशियन पीपल्स तो अब आपको यहाँ नज़र आएगा कि मैंने स्लाइड्स के अंदर लिंक किए हुए हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ लोगों मुख्तलिफ कम्युनिटीज या मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ भी जो अच्छी एग्जांपल्स आपकी बनेंगी एग्ज़ाम में अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करते हैं तो वहां आप इनकाज के नाम से कोई भी हेडिंग बना सकते हैं राइट तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप इसको रिलेट uh, कर सकें किसी रियल लाइफ इवेंट या किसी कम्युनिटी के साथ अच्छा अगला टॉपिक जो मेजर है वो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब दिस इज द नेक्स्ट बिग टॉपिक अब दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम्स इवॉल्व कैसे हुए उसकी मैंने थोड़ी सी यहां तारीख लिख रखी है लेकिन असल जो चीज है यहां करने वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ये है कि टाइप्स क्या है पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की और इंसान जैसे जैसे इवॉल्व होता गया पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होती गई फ्रॉम वेरी प्रिमिटिव एंड एशियंट टाइप्स ऑफ पोलिटिकल ऑर्गनाइजेशन लाइक बैंड एंड ट्राइब्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एंड चीफडम्स हम इवॉल्व करते करते एक मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट आ गए अब ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है इट्स अ वेरी कंटेम्प्रेरी एंड रिसेंट फिना अब स्टेट का कॉन्सेप्ट आज से कोई दो तीन चार हजार पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था फिर जब ये स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया और गवर्नेंस जो है वो आपकी स्टेट्स के लेवल पे होती रही एज अपोज टू डिफरेंट ट्राइब्स और डिफरेंट चीफडम्स तो इसमें हम देखेंगे कि चीफडम क्या होता है उसको कौन हेड करता है और वहां डिसीजन मेकिंग कैसी होती है स्टेट को कौन हेड करता है वहां हायरकी क्या है स्टेट का स्ट्रक्चर क्या है डिसीजन मेकिंग कैसे होती है सिमिलरली क्लैन में कैसे होती है और बैंड जो बहुत ज्यादा प्रिमेटिव होते थे छोटे छोटे बैंड्राइजिंग ऑफ ट्वेंटी थर्टी फोर्टी पीपल उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैसी थी यहाँ आप देख सकते हैं ये आ, पता नहीं कितना विजिबल है लेकिन आपको ये स्लाइड्स मिलेंगी तो आप इसको जूम करके ख़ुद भी देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक टेबल में इस सारी चीज़ को समाने की कोशिश की है कि आपको यहाँ डिफरेंट नज़र आएंगी क्राइ ऑन द यहाँ इस साइड पे आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं क्र, क्राइटीरिया बेसिकली और यहाँ हमने दो मेजर चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया एक है सेंट्रल कितना अनसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग थी और कितनी यहां सेंट्रलाइज थी नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेबल किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा मैंने खुद बनाने की कोशिश की है मुख्तलिफ जगहों से मटीरियल लेके कुछ किताबों में इनकी इंडिविजुअल इन सब क्राइटेरिया की बातें हुई हैं बट आई ट्राई टू ब्रिंग दिस ऑल टूगेदर यहां आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लीडरशिप के ऊपर फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि बैंड में लीडरशिप किस टाइप की है ट्राइब में किस टाइप की है चीफडम में किस टाइप की है और सबसे आखिर में स्टेट में किस टाइप की है, so so ठीक है जी? Right. Okay. और फिर ये मजीद इसमें क्राइटीरिया है जिस किताब में ये जिन किताबों से ये इकट्ठा की गई और इनको इकट्ठा करके बनाया गया वो उनके यहाँ पे मैंने रेफरेंसेस सोर्सेस भी प्रोवाइड किए अंडरस्टैंडिंग अर्ली स्टेट होल्ड और स्टेट्स के कॉन्सेप्ट और इसमें थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन कॉन्फ्लिक्ट थेरी की भी की है जो बेसिकली सिविलाइजेशंस के दरमियान स्टेट्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें एक जो हंटिंगटन की भी थेरी है सिविलाइजेशंस के कॉन्फ्लिक्ट या क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं वो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस किया और फिर जब स्टेट्स की बात होती है तो नेशनलिज्म मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म जिन्होंने स्टेट के रोल को डिफाइन किया और रीडिफाइन किया वो सब कॉन्सेप्ट भी हम पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में क्विकली डिस्कस करेंगे अगला मेजर जो हेड है वो है रिलीजन अब ये पांचवा या छठा जो भी मैं असल में आई एम नॉट टेकिंग अकाउंट ऑफ द नंबर पर वो आप देखते जाइए रिलीजन में रिलीजन क्या है सुपरनेचुरल बींग्स कौन है उसमें गॉड्स गॉडेसेस हैं एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स अच्छा इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं एनिमिज्म के और एनिमिटिज़म के उनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे और उसके बाद आ, आपके रिलीजियस आ, स्पेशलिस्ट कौन है लाइक पीपल हु आर द क्लर्जी पीपल हु प्रैक्टिस रिलीजन जिसके अंदर मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में मुख्तलिफ़ लोग हैं शमन हैं और आ, फिर मुख्तु कल्चर्स के अंदर रिलीजियस uh, रिचुअल्स क्या हैं सेरेमोनीस क्या हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ रिलीजन रिलीजन क्या फंक्शंस uh, करता है और फिर एंशिएंट रिलिजन्स कौन से थे और फिर वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी रिलिजन्स कौन से हैं तो बेसिकली दुनिया में मुख्तु जो रिलिजन्स के कंपेरिजन होते हैं जिसको हम कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स कहते हैं वो भी थोड़ा सा हम करेंगे वी वुड नॉट गो इन टू डिटेल्स बट वी वुड जस्ट ट वेरी लाइटली ऑन दिस अच्छा अगला टॉपिक जो आपका बड़ा है वो है उसको कहते हैं सोशल चेंज तो इस पर भी अक्सर सवाल आता है कि uh, चेंज का प्रोसेस क्या है uh, इसको हम सोशल या कल्चरल चेंज कह सकते हैं विच इज आर नेक्स्ट बिग टॉपिक अमूमी तौर पर मैं स्टूडेंट्स uh, को कहता हूँ कि इफ यू डू दिस डू दिस में खुद जब सी एस एस का एंथ्रोपोलॉजी दिया था तो मैंने सोशल कल्चरल चेंज के सवाल को अमूमी तौर पर स्किप कर दिया करता था क्योंकि uh, uh, थोड़ा सा टेक्निकल भी है और uh, हल्का सा इस पर मटीरियल बहुत ज़्यादा नहीं मिलता आपको लिखने के लिए अच्छा अगला क्योंकि इस पर एग्ज़ाम्पल्स नहीं बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगी जिस तरह आप एथनेसिटी को डिस्कस करें कल्चर को डिस्कस करें तो कल दुनिया में कल्चर्स की कंटेम्प्रेरी प्रिमिटिव एंशियट सोसाइटीज की आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं यहाँ वो चीज़ बहुत ज्यादा कल्चर के क्वेश्चन सोशल चेंज के क्वेश्चन में वो मौका नहीं मिलता उसके बाद अगला टॉपिक है एथनेसिटी एंड रेस एथनेसिटी क्या है और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक कि उसके रूट्स क्या हैं फिर रेस क्या है और Uh, इसमें कुछ uh, थेरीज को हमने डिस्कस किया इसी के अंदर एक छोटी सी चीज़ है जिसको हम सोशल स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं फिर कास्ट एंड कास्टिज्म जेंडर एंड सेक्सिज्म सो ऑन एंड सो सोफ अच्छा इसमें जब एथरीसिटी की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम कहते हैं एन कल्चरेशन और एक है अ ए कल्चरेशन या अ कल्चरेशन वट एवर यू कॉल इट दिस और एक है एंड कल्चरेशन ये एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट चीज़ें हैं कि जब हम बेसिकली uh, आप कल्चर की इंटरनलाइजेशन या एडॉप्शन कैसे होती है और इसको हम एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि अब मॉडर्न टाइम्स पे एथनिसिटी कास्ट रेस इनका इनकी प्लेस क्या है इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज एथनिसिटीज़ और अब जो बहुत ज़्यादा uh, स्ट्रॉ एम्फेसिस था एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर वो अब डाइल्यूट होती जा रही है एथनिक आइडेंटिटीज़ इन दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड वेयर यू नो कल्चर्स एंड एथनिसिटीज आर सो स्ट्रोंगली इंटरमिंगल्ड एंड यू नो विद इन यू नो द बिग कॉस्मोपोलिटन सिटीज ऑफ़ द वर्ल्ड टिग एग्जाम्पल ऑफ न्यू फॉर इंस्टेंस जहाँ पे दुनिया की अन एथनिसिटी तकरीबन आपको मिल जाएगी और प्लेस लाइक मे बी लंडन तो आप इस तरह की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जहां देर इज मूवमेंट ऑफ पीपल इंफॉर्मेशन कल्चर वहां पे एथनीसिटी या एक स्ट्रॉन्ग एथनीसिटी या रेसेस की या प्लेस क्या रह चुकी है वो जब आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर ए कल्चरेशन और एन कल्चरे के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा आ, अगला हमारा बड़ा क्वेश्चन क्या है आई थिंक दिस इज योर सेवेंथ और एट्थ एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन व इज एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च अब रिसर्च मेथड्स क्या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जितनी रिसर्च या नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है उस रिसर्च या नॉलेज को की प्रोडक्शन के लिए हम क्या रिसर्च टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुछ रिसर्च की टाइप्स हैं और ये बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी की चीज़ नहीं है ये अगर आप मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो मार्केटिंग रिसर्च में भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और ऐसे ही होती है स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च में भी यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक रिसर्च में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की रिसर्च में यही टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं तो ये उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के डिफरेंसेस रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का डिफरेंसेस क्या है व्हाट इज रिलायबल रिसर्च एंड व्हाट इज वैलिड रिसर्च ये भी एक एग्जामिनर का फोकस होता है हमेशा अक्सर वो जब उसने रिसर्च वाले सेक्शन के अंदर से सवाल देना हो तो वो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के ऊपर अक्सर एग्जामिनर फोकस करता है ये आप देख सकते हैं कि अच्छा रिसर्च की कुछ प्रॉब्लम्स हैं डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या हैं वही बेसिक टूल्स के ऑब्जर्वेशन कोशनर्स इंटरव्यूज़ जो आप यूनिवर्सिटी के अंदर बार बार रिसर्च मेथड्स का आपने जो कोर्सेज़ हम हर डिग्री में आप पढ़ाए जाते हैं उनमें सारी यही बातें लिखी हुई हैं अच्छा चूँकि बहुत ज़्यादा एंथ्रोपोलॉजी की रिसर्च होती है कम्युनिटी एंगेजमेंट के साथ क्योंकि आपने कल्चर को अंडरस्टैंड करना है तो रिसर्चर्स उस कल्चर के अंदर रहने की अमूमी तौर पर कोशिश करते हैं तो इसमें आ, ये एमिक और एटिक दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं अगर आप इनको यहां से देखें रेफर टू टू काइंड ऑफ फील्ड रिसर्च डन एंड व्यू पॉइंट ऑफ एमिक फ्रॉम विद इन द सोशल ग्रुप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट एंड एटिक फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर अब दोनों में आप एक कम्युनिटी के साथ एंगेज तो कर रहे हैं लेकिन एक में आप अपने आप को उन शूज में डालते हैं जो कि उस कम्युनिटी में रहने वाले किसी भी इंसान के शूज हो सकते हैं या उस सोशल ग्रुप में रहते हुए किसी भी इंसान के शूज हो सकते हैं और उसके लेंथ से उसके नजरिए से चीजों को देखते हैं उसके परस्पेक्टिव से चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरा यह है कि आप चाहे रहे उनके बीच में ही रहे हो बट आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से जो कि आपका कोई ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी हो सकता है या आपके जो ओरिजिन हैं आपकी जो भी एथनिसिटी है रेस है जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं आप उसके पर्सपेक्टिव से या उसके व्यू पॉइंट से उनके कल्चर को व्यू करने की कोशिश करते हैं उस सोशल ग्रुप के नॉर्म्स को उस सोशल ग्रुप की वैल्यूज को आप व्यू करने की कोशिश करते हैं तो ये है एमएक और एटेक अक्सर एग्जामिन एम एटिक के ऊपर भी क्वेश्चन दे दिया करता है अच्छा और आखिरी जो हमारे सिलेबस की चीज़ है इसको आप दो अलग सवाल भी कर सकते हैं एक भी कर सकते हैं एक है थेरीज और एक है थेरिस्ट कुछ हमारे सिलेबस में थेरिस्ट के ऊपर भी अलग से फोकस किया गया यानी उनकी थेरीज को अलग से पढ़ाया गया और उनके थेरिस्ट को अलग से थेरिस्ट को अलग से पढ़ाया गया तो आपने देखा यहाँ पे शुरू में एडविड बी टाइलर और ही इज कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिर लुई मॉर्गन और फ्रेजर ये सब लोग का जो हैं आपके मैं क्विकली सिर्फ दिखा रहा हूं दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस जिसके अंदर थेरीज और थेरिस्ट है यहां पे हम इस वीडियो ये आपको थेरिस खत्म हो और ये थेरीज है एवोल्यूशनिज्म न्यू एवोल्यूशनिज्म डिफ्यूजनिज्म फंक्शनलिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी गुफ्तु करेंगे जब हम बिल्कुल अपने सिलेबस के आखिर में पहुंच जाएंगे So these are the, this is the end of the slides. We have around 200 and. Between 200 and 250 slides slides for the the entire anthropology course. Now this was uh, our second video. video I hope you liked the video, syllabus 10 broad categories में divide किया, slides से उनको दिखाया, और हर कैटेगरी के अंदर जो एक या दो important चीजें हैं वो मैं आपको बताता गया ये 10 सवाल अगर आप कर लेंगे एंथ्रोपोलॉजी में अच्छे marks आपको जरूर दस्तयाब होंगे थैंक यू वेरी मच आई एम जस्ट कमिंग विद माई थर्ड वीडियो इन शॉर्ट while. बहुत शुक्रिया